व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट बूम एप्लीकेशन के बारे में। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप प्राइवेट प्रॉक्सी भी कह सकते हो। अब इस एप्लीकेशन को कैसे करना है, यूज का सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक के बने रहना, क्योंकि इस एप्लीकेशन से क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है, ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। बात करें इसके रेटिंग पॉइंट की, 4.3 है और उसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया था, ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सके। दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको एक रियल ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइवेट प्रॉक्सी भी इसका एप्लीकेशन को कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया प्राइवेट प्रॉक्सी, ऊपर की साइड से आपको कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। दोस्तों, आपको सिंपली ये ऊपर की साइड में शिकागो वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी, किसी एक कंट्रीज को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो। मैं डेमो के लिए यहाँ पे टोक्यो के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आपको किसी और पे क्लिक करना तो आप कर सकते हो। उसके बाद मिलेंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन हमको ऊपर की साइड से देखने के लिए मिल जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कनेक्टेड हो रहा है और थोड़ी देर में कनेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट, स्विच प्रोटोकॉल और इफेक्ट जरा ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, जैसे ही कनेक्ट होता है देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको 5 स्टार ऑप्शन वाला देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ से इसको 5 स्टार भी दे सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको आपको हटा देना है। 3 डॉट पे ऊपर की साइड में आप क्लिक करोगे तो आपको माय अकाउंट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपका खुद का अकाउंट भी बन जाता है। फीडबैक देना चाहो तो सिंपल यहाँ से फीडबैक वगैरह भी दे सकते हो आसानी से आप, और आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज भी कर सकते हो। दोस्तों, ये एप्लीकेशन एकदम बेस्ट एप्लीकेशन माना गया है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आसानी से आप यहाँ पे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।